गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एंड द क्वेश्चन इज इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हम इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है तो हमें शो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के इक्वल प्रूव करना है। सो लास्ट टाइम हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, द आइडेंटिटी वॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि ये टर्म जीरो है। इट इज़ गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। अब हम जीरो को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, हमने पुट कर दी। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जीरो से इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स ऑल जीरो। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस इट बिकम्स 3xyz विच वी हैव टू शो, हेंस प्रूव्ड।